गवाहान के बयानात, वाकयाती शहादतों और मकतूल शरीफ अहमद के नज़री बयान की रोशनी में ये अदालत मुसम्मी लतीफ अहमद उर्फ तीफा वल्द मलिक मोहम्मद अयूब को कत्ले अम्द का मुजरिम करार देती है। और जेर दफा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान सजाए मौत का हुक्म सादर करती है। कागजात पर दस्तखत कर दे, बाकी मेरा काम है। चाचा जी उठें, मैं आपको अपनी जीप में घर ले चलूं। आए हमें माफ करो राणा अफजल, हम खुद ही चले जाएंगे। बैठ बैठ बैठ। भाई रईफ अहमद, पहले ये खत पढ़ ले, जेल से आया है। पर ठीक है, इसको पढ़ो तो सही है। रईफ अहमद शाह जी, आपने पढ़ सुन लिया है, आप ही बता दें। लाए था जी, मैं पढ़ता हूं। पुपा जी, मैं अपने किए पर नादम हूं और हाथ जोड़कर माफी का तलबगार हूं। मैं राणा अफजल के चक्कर में आ गया था, अब मुझे मालूम हुआ कि वो हमारी बिरादरी में फूट डलवाना चाहता था ताकि पुपा शरीफ अहमद अगले इलेक्शन में उसका मुकाबला ना कर सकें। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ था, मुझे माफ कर दें।
मैं सारी जिंदगी आपका ताबे फरमान रहूंगा। लतीफ अहमद उर्फ तीफा, सेंट्रल जेल, लाहौर। रब के वास्ते मेरे झोली में मेरे बेटी की जिंदगी की हलाल डाल दो। हम आपके गुनाहगार हैं भाई नीफ, हमें बख्श दो। आप क्या कहते हो नीफ अहमद, इसके सिवा और क्या रह गया है? और फिर अल्लाह ताला ने माफ करने वाले का दर्जा बुलंद किया है। शाहजी मुझे बताएं, मैं अपने भाई का खून कैसे माफ कर दूं? बरादरी छोड़े है कोई इस गांव में उसके बट्टे का? बेशक कोई नहीं है, लेकिन अब वो वापस तो नहीं आ सकता ना। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, आप ऐसा करें मुझ पर मजीद बोझ ना डालें, मेहरबानी आपकी। बात तो सुनो, बैठ के बात तो सुनो ना, सब्र से सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो। ये लोग तुम्हारी हर शर्त मंजूर करने को तैयार है, जितनी जमीन चाहो लिख कर देने को तैयार है। मगर शाहजी जमीन पर किसी वक्त भी हक शुफा हो सकता है। इसकी जमानत हम देंगे कि हक शुफा ना हो। सर दिल ना बने, मान जाइए ना। बेटे के लिए लड़की का रिश्ता। जिसके नाम दो मुरब्बे जमीन हो। भाई हनीफ अहमद, हमारी तो एक ही बेटी है और उसका रिश्ता तो तय हो चुका है। रिश्ता किस लिए मलक जी? हबीबुल्ला तो अभी छोटा है और अफजाल की मंगनी हो चुकी है। बस मेरी यही शर्त है। ठीक है हनीफ अहमद, हम समझ गए। अफजाल की मंगनी हो चुकी है। बस मेरी यही शर्त है। ठीक है हनीफ अहमद, हम समझ गए, तुम राजीनामा नहीं करना चाहते। हनीफ अहमद, शर्त वो रखो जो पूरी की जा सके। देखिए हाजी साहब, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, मुझ पर मजीद बोझ ना डालें। पत्थर ना बनो भाई अनीस अहमद, औलाद वाले हो। एक दुखी माँ की फरियाद में सुनाई दे रही। भाई नीफ अहमद, हमें आपकी ये शर्त भी मंजूर है। अब कोई कसर बाकी नहीं रह गई। मलिक हनीफ, अब नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। आप मान जाइए ना, आखिर अपना खून। ठीक है, मुझे क्या करना होगा? ये कागजात
वकील साहब ने दी है, को पढ़ ले, अपनी शर्त लिखकर इस पे दस्तखत कर दे और बेशक मैं पास रख ले। सबसे पहले लड़की के नाम जमीन का इंतकाल होगा, फिर निकाह होगा, उसके बाद वकील ये कागजात अदालत में जमा करवा देगा।